हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो की टॉपिक है कर्व सेटिंग, जिसमें रेडियल ऑफसेट एंड परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। इससे पहले लॉन्ग कॉर्ड मेथड की एक वीडियो बना दिया था, वो फर्स्ट मेथड था या सेकेंड मेथड है। तो इस पर फॉर्मूले देख लेंगे पहले। रेडियल ऑफसेट मेथड का जो फॉर्मूला है वो एक्स इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर। और इसमें जो स्टेप्स रहेंगे, फर्स्ट स्टेप रहेगा यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल अज्यूम करना रहेगा, फाई 20 डिग्री अज्यूम कर लेना। सेकेंड स्टेप कैलकुलेट टेंजेंट लेंथ रहता, टेंजेंट लेंथ से अपने को इसकी लिमिट मालूम होती कितने ऑफसेट सेट करने का है। और इसका चेक रहता एपेक्स डिस्टेंस, इसको डायग्राम में बताता हूँ, समझ नहीं आता। और ये फार्मूला है परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड का, इसमें भी टेंजेंट लेंथ रिक्वायर्ड रहती। इसमें ओ एक्स इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है फार्मूला। तो इस पर बेस एक प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे डिटरमाइन द ऑफसेट्स फ्रॉम द टेंजेंट एट इंटरवल ऑफ 20 मीटर्स। इंटरवल को एक्स से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 20 मीटर्स। टू लोकेट 400 मीटर रेडियस, रेडियस आर इक्वल टू 400 मीटर। उसके बाद बाय रेडियल ऑफसेट एंड परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड। रेडियल ऑफसेट्स एंड परपेंडिकुलर ऑफसेट्स एक ही क्वेश्चन में पूछता अक्सर। तो अपने को पहले जो है सो यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम में समझ आता। ये जो है ना टेंजेंट लेंथ है, ये भी टेंजेंट लेंथ है। तो अपने को जो ऑफसेट सेट करने का है टेंजेंट लेंथ के हिसाब से सेट करने का है, कितनी लेंथ है उसके हिसाब से टेंजेंट लेंथ पे ऑफसेट सेट करना है। तो अपने को टेंजेंट लेंथ मालूम करे तो इसकी लिमिट मालूम होती है कि कितने ऑफसेट्स कंसीडर करना है। जैसे कि अब अपने को यहाँ पे 20 मीटर इंटरवल दिया हुआ है, अपने को लिमिट नहीं मालूम है कहाँ पे एंड करना है। तो पहले अपने को टेंजेंट डिस्टेंस मालूम करना पड़ता है, टेंजेंट डिस्टेंस मालूम करे तो अपने को ये लिमिट मालूम होती कितने ऑफसेट आने का है। और फाई नहीं रहता इसमें, तो ये मेथड में फाई अज्यूम करना 20 डिग्री बोले, कॉन्स्टेंट याद रख लो, फाई 20 डिग्री अज्यूम कर लो। तो यहाँ पे 520 डिग्री ली तो अपने को टेंजेंट डिस्टेंस आया 70.53 मीटर, जिससे अपने को टेंजेंट डिस्टेंस की लेंथ मालूम हो गई, जिसके हिसाब से अपन अब एक्स इक्वल टू 20 मीटर से ऑफसेट सेट कर सकते। 20 मीटर ऑफसेट है और 70.53 लेंथ है, तो कितने आएंगे, पहले 20 फिर 40 फिर 60 फिर 80 नहीं आता, 80 से पहले 70.53 आ जा रहा, तो 70.53 पे एंड कर देना। तो पहले रेडियल ऑफसेट मेथड का फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला है ओ एक्स इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर। एट एक्स इक्वल टू 20 मीटर फर्स्ट ओ 20 इक्वल्स टू 400 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0.49 मीटर से आई। अब ये जो है ना ऑफसेट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते, और लास्ट का जो आंसर आता है वो एपेक्स डिस्टेंस के इक्वल आना, इसको एपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं। अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं आंसर से। फिर नेक्स्ट एक्स इक्वल टू 40 मीटर्स ले लो, फॉर्मूले में एक्स की जगह 40 रख दो खाली चेंज करके, तो 1.99 मीटर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता। फिर एक्स इक्वल टू 60 मीटर्स, फॉर्मूले में 60 एक्स की जगह पे 4.47 मीटर्स। फिर लास्ट इसके बाद 80 आता, मगर अपने कन जो है ना लेंथ कम है 70.53 है, तो 70.53 कंसिडर करके एक्स की जगह 70.53 रख दिया, तो आप 6.17 मीटर्स आ गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया पूरा। अब लास्ट में एपेक्स डिस्टेंस अगर मालूम करें अपन, एपेक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है ये टाइप वन में यूज़ करें, फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है आर इंटू सीकेंट 5/2 - 1। कैल्सियम में सीकेंट का ऑप्शन नहीं रहता, तो इसका इन्वर्स 1/cos यूज़ करते। तो इसका जो एपेक्स डिस्टेंस का आंसर आया वो 6.17 मीटर आया। तो एपेक्स डिस्टेंस और लास्ट ऑफसेट सेम है ना, तो करेक्ट है ये, हैंस चेक बोल के लिख देना है। तो ये हो गया रेडियल ऑफसेट मेथड से। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड। परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड में चेक नहीं रहता, डायरेक्टली जो है ना जो लेंथ वहाँ पे अपन टेंजेंट लेंथ यूज़ करे थे वो टेंजेंट लेंथ का लिमिट रहती है यहाँ पे 7.53। फॉर्मूला है ओ एक्स इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 20, 40, 60, 70.53। सिमिलरली सब्स्टिट्यूट करते आना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती है भी वैल्यूज। तो ये हो गया बाई परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड, टू मेथड्स पूछता है एक ही प्रॉब्लम है।